हैं, हम लोग जो है वो गाड़ी चेंज कर रहे हैं, तो हम सबसे पहले आए टेस्ला की टेस्ट ड्राइव पे। तो इस वीडियो में आपको बताएंगे, हमें एक घंटे की टेस्ट ड्राइव मिली है जिसमें हम इसके सारे फीचर्स एक्सप्लोर करेंगे, हमारे लिए ये फिट है या नहीं वो देखेंगे, और वही एक्सपीरियंस इस वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। सो वेलकम बैक टू चैनल, मैं हूँ सुरभि इंडियन गर्ल, दीपक भी है साथ में, तो चलते हैं। Get the car delivered. Okay. Which you get two of them. Mm-hmm. And if you want to drive off, you have to show the car. Okay. Okay. Let's go. So ये जो कार्ड दिया है, इसे यहाँ रखा and car is ready. तो जो गाड़ी हम ड्राइव कर रहे हैं अभी, ये है टेस्ला की मॉडल वाई लॉन्ग रेंज। इसमें दो है, एक लॉन्ग रेंज है, एक मिड रेंज या शॉर्ट रेंज जो भी बोलते हैं। लॉन्ग रेंज में 540 किलोमीटर कुछ की रेंज है इसकी एक चार्ज में। फीचर्स तो सारे आपको मैं बता ही दूंगा इसमें, मतलब सारी चीज़ें आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो टच पैनल से, ऑफकोर्स मैकेनिकली भी कर सकते हो, स्टेयरिंग सीट ये वो सब इसके लिए स्विच रहते हैं सीट में जैसे नॉर्मल रहते हैं, पर अगर आपको और जो फीचर्स कंट्रोल करने हैं व्हीकल के वो सब इस स्क्रीन पे रहते हैं। और इसकी जो पावर है, इसकी शायद बैटरी 81 किलो वाट की है, तो अच्छी खासी पावरफुल बैटरी है। और जो पावर है वो मैं दिखाता हूँ, हाईवे पे चढ़ जाएं एक बार। जब तक दीपक जो है वो ऑटोबान पे चल रहा है, मैं आपको बता देती हूँ, हम लोग ने पहले एक टेस्ट ड्राइव करी थी वॉल्वो की थी ना दीपक? हाँ, वॉल्वो की थी, और वो भी इलेक्ट्रिक कार थी, फुली इलेक्ट्रिक कार। उसके बाद हमें टाइम नहीं मिल पाया और हमें गाड़ी चेंज करनी थी काफ़ी टाइम से, तो अब हमने जो है वो फर्स्ट उसके बाद टेस्ला की है। और फॉर अ गुड न्यूज़, हमने सारी ही टेस्ट ड्राइव जो है जो जो गाड़ी हमें अच्छी लगती है वो बुक कर दी है। तो वीडियोस में मतलब आगे जो है वो आपको और भी गाड़ियों के जो टेस्ट ड्राइव्स हैं और गाड़ियों के फीचर्स जो हमें पता है जो हम देखते हैं वो देखने मिलेंगे। एंड आप कांट वेट टू सी कि ऑटो बन में ये गाड़ी कितनी तेज भागती है। ये स्क्रीन है, काफ़ी बड़ी स्क्रीन है, प्रॉब्ली शायद 12 इंच की स्क्रीन है या उससे भी थोड़ी बड़ी है। और सारे टच फीचर्स होते हैं यहाँ पे, ये व्हीकल का है। यहाँ पर जाकर आप इसके सीट्स और वाइपर और मिरर, स्टेयरिंग सब सेट कर सकते हैं। स्टेयरिंग यहाँ से सेट कर सकते हैं, आगे पीछे ऊपर नीचे, ये हैं ऊपर नीचे करने के लिए, ये आगे अंदर और इन और आउट पुल करने के लिए, लेफ़्ट और राइट के लिए ये अंदर पुश करना है तो। और फ्रेमलेस डोर्स हैं, इंटीरियर काफ़ी स्लीक लग रहा है, अच्छा सा दिख रहा है लुक, काफ़ी प्रीमियम। सीट शायद लेदर है, नहीं लेदर नहीं, अल्काइन टेरा है प्रोबेबली। पीछे यहाँ पे दिया हुआ है इन्होंने दो एसी वेंट्स, पीछे रियर सीट से फोल्डेबल, उसके पीछे पार्सल शेल्फ है, ये मिरर, ये ग्लास की रूफ है पूरी की पूरी। यहाँ पर एक कैमरा लगा हुआ है अंदर ऑक्यूपेंट के लिए, मॉनिटर करने के लिए अगर आपकी आँखें बंद हो रही हैं। दो या तीन कैमरे आगे की तरफ होंगे, सराउंड में करीबन 6 या 7, बल्कि शायद इसमें 8-10 कैमरेज हैं। और मज़ेदार है, पावरफुल गाड़ी है यार, अच्छा लग रहा है एक्चुअली। ये जो पावर की मतलब इनका जो वो है कि यहाँ पे रखना है, ब्रेक पे दबाना है, रेडी टू गो ड्राइव मोड पे। चलो, आपको पता ही नहीं चलता गाड़ी स्टार्ट हो गई है। एंड जैसे दीपक अपनी गाड़ी मैनुअल है अभी, हाँ, तो ऐसा बहुत इजी लग रहा है कि ड्राइव करना? हाँ यार, वो तो ऑब्वियसली बहुत इजी लग रहा है। एंड ये जो स्क्रीन है, इसकी वजह से कितनी हेल्प है, स्केल फ्रॉम 1 to 10? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। आई थिंक 10 इज गुड, तो 10 ही होगा, क्योंकि इसमें सब दिख रहा है, गाड़ियां बगल में जो रख हैं, कितना स्पेस है उसके बीच में, वो सिग्नल कौन से कलर के हैं वो, है ना, स्ट्रीट पीछे, है ना, जब आप लेफ्ट ले रहे हो राइट ले रहे हो पूरा व्यू। अगर आपको कैमरे का व्यू चाहिए तो ये कैमरा है, रियर कैमरा, फ्रंट और साइड कैमरा है, तो सारी चीज़ें इसमें दिख जाएंगी, आपको झांकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे?
ऐसे करके कि जैसे ही लेफ्ट ले रहे हैं वो कैमरा अपने आप ऑन हो रहा है। हाँ, ये कैमरा लेफ्ट कैमरा ऑन हो जाता है जो मिरर के ऊपर लगा हुआ है। और एक्चुअल और सबसे अच्छी चीज लगी, मतलब कि जब रिवर्स करते हैं ना तो ऑटोमेटिकली मिरर्स टिल्ट हो जाते हैं ब्लाइंड स्पॉट कवर करने के लिए, जो आजकल है और भी गाड़ियों में फीचर्स, पर इसमें भी है। अभी हम लोग ना ये टेस्ट ड्राइव करके हम लोग वापस जाएंगे और उससे कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो हमारे क्वेश्चंस हैं, एंड देन फिर हम आपको है ना वो अगर रिकॉर्ड करने देगा तो हम वो भी बता देंगे आपको कि हमारे कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं अभी चलाने के बाद। अभी जितनी भी हमने गाड़ियाँ देख रहे हैं जो जो हमारे उसमें हैं, उसमें सबसे कम प्राइस इसी का है। और वो प्राइस जो है वो हम वहाँ चल के बताएंगे। इसमें भी दो हैं, एक तो लॉन्ग रेंज है जो ये है, और एक इससे कम रेंज वाली है वो सस्ती है एक्चुअली। सो हम लोग आ गए हैं और एक घंटा चुटकी में खत्म हो गया यार। मुझे ये लोग दो दिन के लिए भी देते हैं अगर तुम्हें चाहिए तो। तो हमें क्यों नहीं दी दो दिन के लिए, बोलना पड़ेगा। ओके ओके, तो एक्चुअली ये डिपेंड करता है उनकी अवेलेबिलिटी पे कि उनके पास कितनी गाड़ियाँ अवेलेबल हैं टेस्ट ड्राइव्स के लिए। तो कुछ ब्रांड्स जो हैं वो एक दिन के लिए दे देते हैं, कुछ आधे घंटे के लिए देते हैं बस। और जैसा दीपक बोल रहा है टेस्ला दो दिन के लिए भी दे देती है अगर आप बोल दो उनको तो। पहले से पहले दीपक, जैसा कि उसने तो हमें रिकॉर्ड नहीं करने दिया, पर बहुत सारे क्वेश्चन होंगे आप लोगों के जो हमारे भी थे जो हमने उससे पूछे, तो मैं तुमसे पूछती हूँ, ठीक है? तुम बताओ, सबसे पहले ये बताओ कि क्या क्या ऑप्शंस हैं, जैसे लीज पे लेना है या कोई और ऑप्शंस हैं क्या? तो तीन ऑप्शन थे, एक तो मतलब बेसिकली दो ही ऑप्शन है, तीन ऑप्शन तो वो कंपनी का था वो हटा दो। एक ऑप्शन है लीज पे लेने का। लीज पे लेने का मतलब ये होता है कि आप गाड़ी 3 साल के लिए 4 साल के लिए लेते हो, हर महीने एक सर्टेन अमाउंट उन्हें पे करते हो और उनको बताना होता है कि आप हर साल कितने किलोमीटर चलाओगे, उस हिसाब से वो आपकी इंस्टॉलमेंट फिक्स करते हैं। और 4 साल के बाद जब लीज खत्म होती है तब आप गाड़ी उनको वापस कर देते हो, वो है लीजिंग सिस्टम। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर मैंने मान लो 10,000 रुपये डाउन पेमेंट दिए जो कि एक एक्चुअल अमाउंट है अपन भी सोच रहे हैं, और मैंने लीज पे ली गाड़ी 2 साल के लिए। 2 साल का नहीं होता, जनरली 3 या 4 साल का होता है। ठीक है, चलो 3 साल के लिए ली और किलोमीटर्स मान लो 25,000 किलोमीटर। 25,000 नहीं, 10,000, 15,000, 20,000 ऐसे होता है। अच्छा, जनरली लोग 10 से 15 के बीच में ही चलाते हैं। तो उसकी मेरी फिर कितने ईएमआई पड़ेगी? तो अगर 15,000 मान के चलो लिया तो करीबन 360-370 यूरो का आपका ईएमआई पड़ेगा, 8,000 डाउन पेमेंट देने पे 3 साल का। ओके, तो पर मंथ 370 यूरो देने आपको और 8,000 डाउन पेमेंट देनी है, उसके बाद 3 साल तक आप गाड़ी चलाओ और 3 साल के बाद आपको गाड़ी वापस करनी है। और अगर बिल्कुल भी मुझे अमाउंट कोई भी डाउन पेमेंट नहीं देना तो शायद मेरे ख्याल में 400-420 ऐसे कुछ है। इज इट पॉसिबल? हां, वो भी पॉसिबल था। 0 डाउन पेमेंट पे आप जाके गाड़ी ले आओ और जो आपने अमाउंट फिक्स किए शुरू में लीजिंग के लिए किलोमीटर जो किया है, मान के चलो आपने बोला कि हम 10,000 किलोमीटर एक साल में चलाएंगे, लेकिन अगर आपने उससे ज़्यादा चलाए ओवरऑल 4 साल में जब तक लीज खत्म हो रही है, तो पर किलोमीटर 30 सेंट वो लोग चार्ज करते हैं। वाओ यार, दैट्स एन अमेजिंग थिंग। मतलब आज हमने सोचा और हमारे पास अगर कुछ भी इकट्ठे नहीं है यूरोस तो भी हम कर जाके ले खरीद सकते हैं इमीडिएटली। दूसरा ऑप्शन, और जो सेकंड ऑप्शन है वो है नॉर्मल, जिसको ये बलून क्रेडिट बोलते हैं, मतलब कि नॉर्मल लोन पे लेना, फाइनेंस करवाना गाड़ी। उसका ये है कि आपको एक फिक्स सर्टेन अमाउंट डाउन पेमेंट देनी है। और टेस्ला का बड़ा इंटरेस्टिंग सा ये लगा कि 4 साल के लिए या 5 साल के लिए आप ईएमआई फिक्स करो, जैसे मान के चलो आपने 8,000 या 10,000 यूरो डाउन पेमेंट दी, उसके बाद आपकी मंथली ईएमआई बनी 5 साल की बनी मान के चलो 400 यूरो। 5 साल के बाद आपको जो रिमेनिंग बचे हुए 25,000 या 26,000 यूरो हैं वो आप एक साथ पे कर सकते हो, नहीं तो आप जो रिमेनिंग अमाउंट है उसको फिर से आप लोन में कन्वर्ट करवा लो आने वाले 3 साल 4 साल के लिए। तो सेकेंड ऑप्शन ये होता है, इसमें आप गाड़ी खरीद रहे हो, गाड़ी आपकी है, लीज पर नहीं है, आपको वापस नहीं देनी, पर आप सर्टेन अमाउंट डाउन पेमेंट दोगे। और जो इनका अभी जो मॉडल वाई का जो इन्होंने बताया था वो ये था कि 8,000 आपने डाउन पेमेंट दी तो आपकी ईएमआई बनती है 4 साल की करीबन 400 यूरो के आसपास। उसके बाद आपको करीबन 25,000 यूरो और देने हैं, तो वो या तो कैश दो 4 साल बाद या फिर उसको ईएमआई में कन्वर्ट करवा लो। ओके,
तो ये तो हो गए फाइनेंसिंग ऑप्शंस अगर आपको लेनी है तो, और ऑफ कोर्स अगर आपके पास कैश है तो हम फाइनल अमाउंट कितना है वो बताएंगे लास्ट में, तो आप पूरा कैश देके भी ले सकते हो. द अदर थिंग इज़ क्योंकि फुली इलेक्ट्रिक कार है एंड इंडिया में तो सबके दिमाग में ये हो गई कि एक तो चार्जिंग का क्या प्राइस होता है, चार्जर्स इजीली अवेलेबल होते हैं या नहीं होते हैं, उसका क्या फंडा है यहाँ पर. देखो चार्जर्स की अवेलेबिलिटी देखी जाए तो उसमें टेस्ला बेस्ट है इलेक्ट्रिक कार्स में. एक्चुअली यहाँ तो हर कहीं दिखते हैं, कोई कंपटीशन ही नहीं है, टेस्ला के चार्जर हर जगह मिल जाते हैं, तो उस केस में तो टेस्ला नंबर वन है. सेकेंडली जो प्राइस है वो काफ़ी सस्ती पड़ती है, शायद 30 सेंट पर किलोवाट पड़ती है, जो कि बहुत सस्ती रहती है. जनरली गाड़ियाँ 15 से 20 किलोवाट के बीच में 100 किलोमीटर चलती हैं इलेक्ट्रिक कार्स, तो उस हिसाब से इलेक्ट्रिक कार्स बहुत सस्ती पड़ती हैं, है ना. तो ये किए हो गया, चार्जिंग आप हर जगह मिल जाएगी, कहीं पहाड़ों में, गाँव में, छोटी छोटी जगह चले जाओ, सब जगह हो जाएगी. दूसरा आप घर में चार्ज कर सकते हो, उसमें टाइम ज़्यादा लगता है. इलेक्ट्रिक जो इनके जो फास्ट चार्जर्स हैं उसमें अराउंड 30-40 मिनट्स में फुल चार्ज, 0 to 80% चार्ज हो जाती है टेस्ला. द अदर थिंग इज जो मुझे बहुत अच्छा लगा वो मैं आपको बता देती हूँ कि इस कार में कोई सर्विस नहीं रिक्वायर्ड होती. मैं तो शॉक हो गई जब उसने बताया, तो कोई सर्विस वर्विस की ज़रूरत नहीं होती इस कार में. और अभी जो रिसेंटली अगर हमने उनसे पूछा भी था, कोई ऐसा ऑफर चल रहा है जिसमें गाड़ी अभी ख़रीदने पर चार्जिंग फ्री हो सर्टेन किलोमीटर तक, तो मॉडल 3 में है, मॉडल वाई में नहीं है, मॉडल 3 में मिल रही है 10,000 किलोमीटर तक चार्जिंग फ्री है. लेकिन वो गाड़ी जून में ही खरीदनी पड़ेगी, मतलब कि ये 4-5 दिन के अंदर ही. मुझे वाई मॉडल ही ज्यादा अच्छा लगा, वो थोड़ी स्पेशियस है, बड़ी है, मतलब जो हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वाई मॉडल ज्यादा अच्छा है, तो ऑफकोर्स हम उस वाली पे नहीं जाएंगे अगर चार्जिंग फ्री भी है तो भी. द अदर थिंग इज दीपक, क्योंकि जर्मनी में वेटिंग टाइम बहुत ज्यादा है सारी कार्स का, अब हम जब दूसरी कार्स देखने जाएंगे तब आपको पता चलेगा ज़्यादा, तो इसका कितना है टेस्ला का? जो मॉडल वाई जिसकी हम बात कर रहे थे वो अभी उनके पास इमीडिएटली अवेलेबल है. इमीडिएटली अवेलेबल, आप आज बुक करो, 2 दिन बाद गाड़ी रेडी है आपकी. हाँ, तो अगर जिसको टेस्ला लेनी है उसके लिए बहुत ही अच्छी बात है, तुरंत मिल जाएगी. देन द अदर थिंग इज कि जो ऑटो पायलट वाला मोड है, आई थिंक बहुत सभी लोग इंटरेस्टेड हैं मोस्टली इंडिया में, क्योंकि टेस्ला ज़्यादा है नहीं वहाँ पर, और यहाँ तो लोग यूज़ भी करते हैं, तो वो जो ऑटो पायलट वाला जो है पर्टिकुलर, आई डोंट नो से क्या बोले ऑटो पायलट, उसका क्या पर्टिकुलर फंडा है? देखो ऑटो पायलट टेस्ला की सबसे अच्छी चीज़ है, और जो कि आजकल और भी बाकी इलेक्ट्रिक कार्स में आ रही हैं, कि आप जो कुछ स्पेसिफिक फीचर्स हैं वो आप अपग्रेड कर सकते हो. अभी आपने गाड़ी खरीदी, आपकी गाड़ी में ऑटो पायलट का फंक्शन नहीं है, लेकिन आप कुछ टाइम के बाद, 1 साल बाद, 1.5 साल बाद, जब आपको मन करे कुछ पैसे देने हैं और आपका सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा, आपकी गाड़ी में ऑटोमेटिकली ऑटो पायलट फीचर आ जाएगा. ऑटो पायलट में होता ये है कि आपकी गाड़ी अपने आप पार्क हो जाएगी, लेन असिस्टेंस रहता है ना. और ऑटो पायलट का मतलब यही है कि आपको स्टेयरिंग पकड़ के नहीं रखनी है, अपने आप लेन असिस्टेंस के थ्रू गाड़ी चलती है. तो वो सारे फीचर्स हैं जो उसके, जो इनिशियल ऑटो पायलट का जो पैक है वो अराउंड 3,200 यूरो का था अभी. तो लोग इमीडिएटली भी लेते हैं, कुछ लोगों को बाद में करना, तो बाद में आप सॉफ्टवेयर अपना पे करो और आपके गाड़ी में अपडेट हो जाएगा. द वो जो पर्सन है जो हमें असिस्ट कर रहा था, उसने बहुत अच्छी बात बताई कि जो ऑटो पायलट बेसिक है जो हर गाड़ी में होता है वो ही इनफ होता है, लेकिन इन केस अगर आपको बाद में अपग्रेड करवाना है, लाइक इनहेंस वर्जन करवाना है, सो बेसिक सब जगह होगा, इनहेंस करवाना है तो अराउंड 3,000 यूरो. हाँ, क्योंकि एडास फीचर तो सभी में रहते हैं, है ना, आपका लेन असिस्टेंस, बाकी सारी चीज़ें रहती हैं, लेकिन ऑटो पायलट में 2-4 फीचर और ऐड हो जाते हैं, मतलब गाड़ी आपके ऑटो पायलट पे चलेगी, पार्क हो जाएगी ऑटोमेटिकली, ये सब चीज़ें हो जाती हैं. एंड बिकॉज हमने उस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया ऑटो पायलट वाले में, क्योंकि we were not looking for something like autopilot wala feature and all that. I know Tesla ke jo videos banate hain wo us feature ko bahut zyada highlight karte hain, but humne use nahi kiya kyunki wo ek criteria jab hum gaadi khareed rahe hain to wo hamare man mein nahi hai, because Deepak likes to drive, even I likes to drive, to hame drive karna hai gaadi na ki ha, matlab wo benefit hai, aur ye aisi cheez hai software jaisa, update kar lo jab chahiye ho jayega, itna koi wo matlab वो भी नहीं है कि ऑटो पायलट पे आप डालो और सो जाओ. ऐसे वीडियो भी है, चादर डाल के सो जाते हैं, पर वो वीडियो के लिए ही है, वो उतना रियल लाइफ में उतना एक्चुअल में भी इम्प्लीमेंट करना बड़ा डिफिकल्ट है. द नेक्स्ट जो बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, आई थिंक मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस तुमने बता दिए, क्या प्राइस है
जो हम लोग लेने वाले हैं वो हमने कौन सा वर्जन यूज़ किया है, और इसके भी जो डिफरेंट रेंजिंग जो वर्जन्स हैं उसके क्या प्राइजेस बताएं। पहली बात तो सुरभि बोली जो हम लोग लेने वाले हैं, ये अभी डिसाइड नहीं किया क्योंकि हम अभी और गाड़ी देख रहे हैं। मतलब जो हमने पर जो गाड़ी हमने चूज की थी वो थी मॉडल वाई की स्पेसिफिक दीपक इज स्पेसिफिक हाँ क्योंकि अभी तो हमें और गाड़ी देखनी है तब डिसाइड करेंगे। तो मॉडल वाई का जो मिड रेंज था वो वाला हमने देखा है, वो उसकी प्राइस है करीबन 44-45,000 यूरोस प्लस। उसमें जब थोड़े बहुत आप कॉन्फ़िगर करते हो गाड़ी, जैसे कि ब्लैक अलॉय व्हील्स चाहिए, थोड़ा बहुत और कुछ फीचर ऐड करके अपनी तरफ से, करीबन 47-48,000 यूरोस की पड़ती है वो गाड़ी। एंड अगर हमने जो गाड़ी देखी, अगर हम उस पर जाते हैं फाइनली, तो हमको कितना ईएमआई पे करना पड़ेगा एट लास्ट? ईएमआई अगर ख़रीदने वाले ऑप्शन पर जाते हो आप, तो अगर आप 8,000 यूरोस डाउन पेमेंट देते हो तो ईएमआई बनेगी करीबन 400-450 यूरो के बीच में, तो मैं 5 साल की। हाँ। और उसके बाद रिमेनिंग अमाउंट आपको उसके बाद पे करनी पड़ेगी जो कि करीबन 25-26,000 यूरो। हाँ, तो ये हमारी जो बजट है उसके अंदर में आ रही है, तो एटलीस्ट बजट के पॉइंट ऑफ व्यू से यस। हाँ, और गाड़ी का फील भी अच्छा था, मुझे तो अच्छा लगा। हाँ, अच्छी तो लगी गाड़ी मुझे। हाँ। भी पर लेकिन और भी अभी बहुत कुछ है मार्केट में लेटेस्ट। हाँ, तो होपफुली हमने आपके आंसर्स को, मतलब आपके अगर कोई क्वेश्चंस हैं यहाँ पर गाड़ी खरीदने के, या फिर आप आने वाले हो तो आपके क्वेश्चंस होंगे यार ईएमआई कितना पे करना पड़ेगा एंड वो सारी चीज़ें, वो हम आंसर करना चाहते थे इसमें, कि अगर आपके पास कोई भी डाउन पेमेंट के लिए मनी नहीं है देन ऑल्सो यू कैन बाय अ कार लाइक टेस्ला जिसकी 400-500 ईएमआई बनेगी आपको, प्लस ऑप्शंस दीपक ने बता दिए सारे। और टेस्ला लीजिंग वाला ऑप्शन बहुत बढ़िया है, जिसको गाड़ी 3-4 साल में चेंज करनी होती है ना, आओ कुछ मत दो, जाके सीधे गाड़ी लो, 250 यूरो दे के बुक हो जाएगी। 350-400 यूरो महीने के देने हैं आपको, 4 साल यूज करो उसके बाद वापस कर दो। तो इसी के साथ हम जाते हैं, बस एक चीज़ बोलना चाहते हैं कि हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और बाकी हमारा जो ये सीरीज़ चल रही है, एक तो घर की चल रही है वो भी हमारी सर्च जारी है, और एक जो गाड़ियों की जो सीरीज़ चल रही है उनको आप देखते रहना और आप भी नॉलेज लेते रहना जैसे हम ले रहे हैं। हमको भी सब कुछ नहीं पता, धीरे धीरे हमें पता चलता जा रहा है। एंड मिलते हैं फिर आपको अगले वीडियो में।